आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम दबंग दिल्ली की टीम का एनालाइज करने वाले हैं। इस टीम का कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कहाँ वीक पॉइंट, इनके रेडर्स डिफेंडर्स और ऑलराउंडर्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाली, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रेडर्स की। रेडर्स पांच रेडर्स है दबंग दिल्ली के पास, नवीन कुमार, नीरज नरवाल, अजय ठाकुर, इमाद, सुशांत सेल। इन पांच रेडर्स के साथ दबंग दिल्ली इस बार सीजन 8 में उतरने वाली मैट पर। तो नवीन कुमार मेन रेडर है नवीन एक्सप्रेस, पिछले सीजन में 22 सुपर 10 लगाए थे, 21 लगातार, एक बेहतरीन मेन रेडर। जो सेकेंड रेडर है वो अजय ठाकुर, सुशांत सेल भी और नीरज जनरवाल में से कोई एक थर्ड रेडर हो सकता है। मतलब रेडिंग डिपार्टमेंट में कमी नहीं है, एक बेहतरीन रेडिंग डिपार्टमेंट। रेडिंग डिपार्टमेंट में हम इन्हें 4 स्टार जरूर देंगे क्योंकि अजय ठाकुर का परफॉर्मेंस अप डाउन रहा है, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये तो था रेडिंग डिपार्टमेंट का एनालाइज, और अब करते हैं हम इनके डिफेंस यानी डिफेंस डिपार्टमेंट का एनालाइज। तो इनके पास 6 डिफेंडर्स है, मोहित, सुमित, जीवा कुमार, जोगेंद्र नरवाल, मोहम्मद मलक और विकास। इन 6 डिफेंडर्स के साथ इस बार दबंग दिल्ली उतरने वाली है मैट पर। जैसे जीवा कुमार कवर हैं, इनके साथ कोई एक खिलाड़ी कवर होगा। जोगेंद्र नरवाल लेफ्ट कॉर्नर है, मतलब डिफेंस अच्छा है। कवर जीवा कुमार का भी परफॉर्मेंस डाउन रहा है, तो ये डिफेंडर्स को तो मैं सिर्फ 4 स्टार ही देंगे क्योंकि जीवा कुमार अप डाउन परफॉर्मेंस, जोगेंद्र नरवाल का भी अप डाउन परफॉर्मेंस रहा है, मोहित, सुमित नए खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद मलक ये भी विदेशी खिलाड़ी, विकास भी इस साल नए खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ 4 स्टार ही मिलेंगे इनके डिफेंस को भी। तो दोस्तों अब बात करेंगे इनके हम, जो इनका डिफेंस तो हो गया है कम्प्लीट, अब बात करेंगे हम इनके ऑलराउंडर्स की। इनके जो ऑलराउंडर है वो कुछ इस प्रकार है। दबंग दिल्ली के पास 4 ऑलराउंडर है इस सीज़न में, सीज़न 8 के लिए। विजय, बलराम, संदीप नरवाल, मंजीत चिलर, चारों को हम पहले से जानते हैं। विजय ऑलराउंडर, अच्छे ऑलराउंडर, रेड भी करते हैं और डिफेंस भी करते हैं। डिफेंस में तो ये बहुत कम नज़र आते लेकिन रेडिंग ज़्यादा करते हैं। संदीप नरवाल राइट कॉर्नर खेलते हैं ज़्यादा, पहले रेडिंग लगाते रेड करते थे ज़्यादा, अब कॉर्नर खेलते हैं। मंजीत चिलर कवर है, जो कवर की कमी वो पूरी हो जाएगी क्योंकि, लेकिन ऑल ओवर देखिए तो इनका जो बलराम है वो भी एक अच्छे खिलाड़ी। ऑल ओवर पूरा हिसाब लगाया जाए तो दबंग दिल्ली को मैं 4.5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा क्योंकि रेडिंग डिपार्टमेंट में इनके पास ऑप्शन है। ऑलराउंडर को मिला के देखिए तो इनके पास एक अच्छा डिफेंस है, कवर भी और कॉर्नर भी। तो दोस्तों इनको मैं 4 स्टार देने वाला हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर कबड्डी से जुड़ी हर एक अपडेट मिलते रहेंगे।